जम्मू काश्मीरच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. या बैठकीत काश्मीरमधल्या हिंसाचारावर नियंत्रण, भाजप पीडीपी युती आणि सिंधू करारासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्याआधी मेहबूबा मुफ्ती यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंसाचार पुन्हा उसळला. गेल्या 6 महिन्यात काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या 400 घटना घडल्यात. जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळत ठेवण्याच्या उद्देशानं दगडफेक करण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप देखील तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असं समजतंय. एक दो महीने से हालात खराब हो गए, उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो धीरे धीरे सुधर रहे थे. पिछले साल के अनरेस्ट के बाद उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ, तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ. और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ. और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो. जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है. तो हमने ये सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.